हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। हैप्पी मदर्स डे सभी फ्रेंड्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एपीओ एग्जाम को लेकर, करंट अफेयर पार्ट्स को लेकर, साथ में पूरे जीएस पार्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आप लोगों को पढ़ने चाहिए कम समय में, क्योंकि 9 जून को आप लोगों का एग्जाम होना है। और क्योंकि अभी तक आयोग ने कोई भी नोटिस नहीं डाला, इसलिए आप लोग सब 9 जून को ही एग्जाम डेट मानकर ही 9 जून को ही चले, ठीक है। तो 9 जून की अपनी रणनीति बनाते हैं और जीएस वाले पार्ट की आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप एज वेल एज जानते हैं कि हम लोग जुडिशरी एग्जाम को लेकर जीएस कवर कराते हैं, और आई होप आप लोगों को कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। और इसी के साथ साथ हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं। यूपी एपीओ एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को प्रीवियस पेपर आप लोग करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को प्रीवियस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें। 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इसके साथ साथ करंट अफेयर में बात करें तो कम से कम आप लोग नवंबर 2018 से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक की करंट अफेयर आप कंप्लीट कर लें। इस करंट अफेयर में आप लोगों को सेक्शन बता दे रहा हूँ कौन कौन से पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। स्पोर्ट पढ़ना है, नेशनल स्कीम पढ़नी है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ यूपी के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ लेना है। करंट अफेयर से रिलेटेड बातें, करंट अफेयर में जितने भी अवार्ड हैं, जैसे आप लोगों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में भारत रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ प्री और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में लिखने के लिए आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद करनी है फुल फॉर्म वगैरह भी, बहुत ज़्यादा यूपी एपीओ के एग्जाम में पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। प्री और मेंस दोनों में फुल फॉर्म आती है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, और अगर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी है, सेबी है, तो इनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना है, नाबार्ड वगैरह। इकोनॉमिक्स के भी 4 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, इंडियन पॉलिटी के भी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर आप नवंबर दिसंबर से पढ़नी स्टार्ट कर दीजिएगा, 1 वाइज पढ़ते रहिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के आएंगे। तो ये तो बात होगी करंट अफेयर की, बाकी वीडियो चैनल से अपडेट रहेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर के टॉपिक्स और वीडियो प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में आप 5-ईयर प्लान पढ़ने, जीएसटी नीति आयोग अच्छे से पढ़ने, और अंतरिम बजट जरूर अच्छे से पढ़ने। जितने भी अंतरिम बजट में उद्घोषणा हुई है, जो भी आवंटन हुआ है राशियों का, वो अच्छे से पढ़ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने बनाकर डाल दी थी आप लोगों के लिए, वो उन्हीं में से आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चैनल से जाकर देख सकते हैं करंट अफेयर प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा बेसिक लूसेंट से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग, हम आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी, तो पॉलिटी आप लोगों का अच्छा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग बेसिक स्टैटिकली पढ़ लें। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समिति आर्टिकल कितने, कौन से आर्टिकल में कितना, क्योंकि डायरेक्टली वो पूछ लेता है। साथ में वेतन भत्ते जरूर चेंज हुए हैं, वो जरूर पूछ ले। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर जो भी लोग विराजमान है, जो भी व्यक्ति पर्सनैलिटी बैठा है, जैसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, ठीक है, या वित्त आयोग है, सीजेआई है, इनके जो अभी वर्तमान में है उनके नाम जरूर आप लोगों को पता होने चाहिए, करंट अफेयर में रिलेट करके आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आप लोगों को देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को करनी है 1857 से लेकर 1947 तक, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं वो सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस का बनना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, महात्मा गांधी के जितने भी सत्याग्रह हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, जैसे चंपारण हो गया, भारत असहयोग आंदोलन हो गया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो गया, तो वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि मेंस में 30 से 40 मार्क्स का आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आता है और करंट अफेयर से आता है। तो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो मेंस में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और इसी स्ट्रेटेजी पर हम लोग काम करते हैं। ये सबसे बेहतर तकनीक है, क्योंकि फालतू सब्जेक्ट ना पढ़े। और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप तो कॉन्टिनेंट महाद्वीप अच्छे से पढ़ लें, प्रीवियस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर लें, वो आप लोगों को बेटर रहेगा। वन लाइनर आप लूस एंड से पढ़ सकते हैं। सौर मंडल के बारे में कुछ छोटा मोटा आप लोग पृथ्वी, सन और मून और मार्स के बारे में पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। साथ में लेक होगी, विश्व की जो लेक है जैसे, और इसके साथ साथ आपको कैनाल,
झील हो गई, लेक वगैरह हो गई, केनाल हो गई, और आप लोगों को उनसे रिलेटेड जो तथ्य फैक्ट हैं कॉन्टिनेंट से वो आप लोग पढ़ने, खासकर एशिया महाद्वीप और भारत के समीप जितनी कंट्री हैं उनकी राजधानियां आप लोगों को एक राजधानी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, आप लोग चार टॉपिक तैयार कर लें, हिंदू सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के साथ साथ बौद्ध और जैन को अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ मेडिवल में आर्ट एंड कल्चर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ लें, और आप लोग दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगल को अच्छे से पढ़ लें और उसका आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से मुगल का तैयार कर लें, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस का पार्ट, और जुडिशरी के बच्चे आप लोगों को मुझे अच्छा पता है कि साइंस में सभी इरिटेट होते हैं मोस्टली, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड भी रही है, लाके सारे सब्जेक्ट है। तो साइंस में आप एक कोई सी भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, 10 बुक खरीदने से बेटर है एक बुक लें और उसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब जैसे बायो में आप लोगों को ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिसेज, ब्लड, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है, और विटामिन्स, बस ये चार टॉपिक पढ़ लेंगे बायो में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी लूसेंट से अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में आप यूनिट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ लॉस हैं वो पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में डेली रूटीन क्वेश्चन आप लोग पढ़ने, केमिस्ट्री में आप लोग ज्यादातर गैसेस पढ़ें ये ज्यादा आती है, या फिर डेली रूटीन क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, जैसे अमोनिया का क्या है, अमोनिया का दुर्गंध, बाथरूम में जो दुर्गंध आती है अमोनिया गैस के, मीथेन, धान के खेत में मीथेन पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं जो डेली रूटीन लाइफ से होते हैं। तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लूसेंट या किसी अन्य बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे केवल एक ही बुक प्रीफर करें, प्रीवियस पेपर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करें। और एक क्वेश्चन होता है स्टडी ऑफ ब्रांच, यानी जैसे विटीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, वो है कि मॉडर्न हिस्ट्री की बुक एंड राइटर्स नेम पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आता है जो लेटेस्ट बुक्स आती हैं उनके भी, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप जो भी स्टूडेंट्स एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज मैं आप लोगों को बनाऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और भाई जो भी वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए बन रही है, आप लोगों को पता ही है काफी मेहनत भी लगती है, तो प्लीज लाइक करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।